सिंपल याद रखोगे तो फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करेंगे, तो हाई पीओ2, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, पीएच एसिडिक होगा, तीनों कंडीशन में जब देखेंगे तो आपको जो दिखेगा कि यहाँ पर जो कर्व है वो टुवार्ड्स राइट बैंड करेगा, और यहीं पर जब ऑक्सी हेमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होता है उसको आप लोग बोर्ड्स इफेक्ट बोलते हो। लेफ्ट को शिफ्ट नहीं होगा, लेफ्ट को जब नॉर्मल कंडीशन होगा ना तो यहाँ पर जो देखोगे तो ये जो ग्राफ है ये नॉर्मल है, तो ये आपको थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, ये ध्यान से देख सकते हो। लेकिन जब यहाँ पे फैक्टर है तो ये लेफ्ट हैंड तरफ ना जाकर ये किसकी तरफ मूवमेंट कर रहा है, आपको राइट हैंड साइड की तरफ कर रहा है। जब नॉर्मल कंडीशन होगा तब आपको वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूवमेंट दिखेगा, फिर जो है वो राइट हैंड साइड जा रहा है। लेकिन जैसे ही आपको जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं तो वो डायरेक्ट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड छोड़कर वो राइट हैंड साइड की तरफ मूवमेंट कर जाता है, क्योंकि नॉर्मल ग्राफ में देखा है तो वो आपको पहले जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, फिर जो वो आपको राइट हैंड साइड जा रहा है जब आपका PO2 जो है वो 95 के अप्रोक्स पहुंच रहा है। अब यहाँ पे सिंपल देख लीजिए, नहीं तो बेटा नेक्स्ट जो है वो टॉपिक जो आपका होगा वो है सिंपल, यहाँ पर जो पढ़ेंगे हम लोग वो होगा रीजंस। रीजंस फॉर रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है उसके कौन कौन से रीजंस है उसकी बात करोगे, तो यहाँ पर जो सिंपल जो होगा उसके अंदर जो रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो रीजन है वो आप लोग जो फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग वो जो है वो है आपको हेल्डन्स इफेक्ट। पहला ध्यान रखिएगा वो जो है वो आपका है हेल्डन्स इफेक्ट, पहला आपको ये सिंपल दिखेगा हेल्डन्स इफेक्ट। अब इसमें क्या चीज होता है वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखोगे कि सर यहाँ पर क्या चीज होता है, तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा कि मोर कंसंट्रेशन, ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, मोर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल जो है वो रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होता है। तो यही पॉइंट आ गया कि यहाँ पर जो है मोर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल क्यों होता है, बिकॉज बिकॉज इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और क्या रिलीज करेगा, एंड रिलीज जो करेगा बेटा वो करेगा H+O। तो यहाँ पर देखिएगा तो पहला जो है वो हेल्डन्स इफेक्ट है। हेल्डन्स इफेक्ट क्या कह रहा है कि द मोर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन होगा वो रिस्पॉन्सिबल होता है रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। क्यों होता है, बिकॉज जो है ये जो एक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट करेगा, और रिलीज जो करेगा वो करेगा H+ आयंस को। तो अगर यहाँ पर सिंपल देखेंगे कैसे होता है बेटा, तो ये मान लीजिए कि आपका ऑक्सीजन है और आपको जो बाइंड कर गया वो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर गया, क्या चीज फॉर्म होगा, तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा वो होगा आपको ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो यहाँ पर जो है कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या रिलीज करेगा, तो यहाँ पर जो रिलीज करेगा वो H+ को करेगा। ये यहाँ पर क्लियर आपको हेल्डन्स इफेक्ट में दिया गया है। अब क्या चीज होगा वो इम्पोर्टेंट है कि जो आपका ये H+ रिलीज हुआ, ये जो सिंपल जो कंबाइन करेगा, ये जो कंबाइन करता है विद बाई कार्बोनेट आयंस के साथ, सिंपल जो ये H+ है सिंपल लिखोगे कंबाइंस विद बाइकार्बोनेट आयंस के साथ, ठीक है। अब बाइकार्बोनेट आयंस के साथ जब कंबाइन करेगा तो ये चीज आप लोगों ने पढ़ा था इससे पहले भी जब ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, तो H+ अगर बाइंड करता है SCO3- के साथ, ठीक है, ये बाइकार्बोनेट आ गया। तो यहाँ पर जब सिंपल देखेंगे तो जो फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा, S2CO3 का आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ये आपको कब हो रहा है,
जब आपका ऑक्सीहेमोग्लोबिन जब फॉर्म हो रहा है तो रिलीज होता है वहां से एच प्लस, वो किसके साथ बाइंड करेगा विद बाइकार्बोनेट आयन, और फॉर्मेशन जो होगा वो होगा H2CO3 का, ये चीज आप लोगों ने पढ़ा है। अब यहीं पर देखोगे तो ये H2CO3, अब यहाँ पर क्या चीज होता है बेटा कि ये जो आपका H2CO3 है यहाँ पर कौन एक्ट करता है, तो वो आपको बताया गया था कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जब यहाँ पर एक्ट करेगा तो ये जो सिंपल देखोगे तो क्या चीज बनता है, तो बनेगा यहाँ से वाटर प्लस क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और यही जो है आपका एक्सेल होता है। जब एक्सेल में देखोगे तो जो एक्सेल होता है वहां पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कैसे फॉर्म होता है, जब आपको ऑक्सीजन के साथ हेमोग्लोबिन बाइंड करेगा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनेगा, और फिर जो वहां से रिलीज होता है वो एच प्लस होता है। जब एच प्लस रिलीज हुआ वो बाइंड करेगा बाइकार्बोनेट आयन के साथ, फॉर्मेशन होगा H2CO3 का। इसी पे जब H2CO3 पे आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक्ट करेगा तो जो फॉर्म होगा वो वाटर होगा प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और यही जो है बेटा वो एक्सेल होता है। देखिए सिंपल ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर आपको जो है ये सिंपल है, अगर ये थोड़ा सा अगर मॉडिफाई किया जाए, अगर थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एल्वियोलाई बताया गया। ये सपोज कीजिए आपका एल्वियोलाई है, ठीक है, यहाँ पर जो आपने को ने सिस्टम पढ़ा जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है वो आपका ये कंप्लीट जो है वो सिस्टम आपको देखने को मिला, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे तो क्या चीज होता है कि यहाँ से जो है कि ऑक्सीजन आपका इंटर करेगा, ठीक है, एक्सचेंज देखने को मिलेगा। तो जब यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ बाइंड करेगा, ब्लड के हेमोग्लोबिन के साथ, तो क्या चीज बना लेगा, तो वो जो बनेगा वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। फिर क्या चीज होगा, यहाँ पर जो सिंपल देखोगे तो यहाँ से जो रिलीज होगा वो क्या चीज रिलीज होगा, यहाँ पर जो देखने को मिलेगा जो रिलीज होगा वो एच प्लस होगा। जब एच प्लस है ये किसके साथ बाइंड करेगा बेटा, तो ये जो बाइंड करता है वो बाइकार्बोनेट के साथ करेगा, यानी कि HCO3- के साथ। अगर ये यहाँ पर बाइंड कर गया, यहाँ पर HCO3+ जो है वो एच प्लस बाइंड कर गया, तो क्या चीज फॉर्म होगा, यहाँ से जो फॉर्मेशन होगा H2CO3 का फॉर्मेशन होगा। अब फिर क्या चीज करेगा, इसके ऊपर जो एक्ट करेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो बनेगा क्या चीज, तो वाटर और प्लस जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो देखोगे तो यहाँ से आपको एक्सेल होता हुआ दिखेगा। और ये जो है कि किस जो रिलीज होता है वो कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, सिंपल देखोगे जब यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का इंक्रीज करेगा तो सिंपल आपको वो हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करेगा, और यहीं से जो रिलीज हो जाएगा वो एच प्लस होगा, वो बाइकार्बोनेट आयन के साथ बाइंड करेगा, और वहां से जो बनेगा वो H2CO3 बनेगा, और फिर वो ब्रेक होगा तो वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और यही जो है आपको यहाँ से रिलीज आपको दिखाया गया है। तो यही रीजन है पहला हेल्डन्स इफेक्ट जिसमें आपको रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसी में जो देखोगे तो ये तो फर्स्ट जो है वो रीजन है हेल्डन्स इफेक्ट, इसी में जब आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है वो सेकेंड रीजन क्या है, जब सेकेंड की बात करोगे तो वो जो है वो आपको हाई PO2 है, ठीक है। हाई PO2 क्या कॉज करता है, तो यहाँ पर जो सिंपल होगा causes dissociation of carb amino, ये आप लोगों ने देखा था carb amino form होता है, तो यहाँ पर जो सिंपल है कि जो हाई PO2 होगा तो वहां पर क्या चीज होगा, जो carb amino हेमोग्लोबिन है वो ब्रेक करेगा, डिसोसिएट करेगा, और फिर से जो है वहां से जो रिलीज होगा वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अब इसी में देखोगे थर्ड रीजन जो है रिलीज होने का, जो CO2 होता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इज लेस सॉल्युबल इन आर्टरियल ब्लड, जो आपके आर्टरी में जो ब्लड होंगे वहां पर आपको आर्टरियल ब्लड में ये आपको लेस सॉल्युबल होता है, तो
तो यहां से वो सिंपल क्या चीज होगा, रिलीज हो जाता है। तो ये तीन रीजन जो है बेटा वो आपका रीजन होता है रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसके अंदर आप जो पहला जो बात करोगे तो वो आपका हेल्डन्स इफेक्ट है, जिसके अंदर आपको H प्लस बाइंड करेगा बाइकार्बोनेट के साथ। सेकेंड है कि जब आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, कार्ब एमिनो जो हेमोग्लोबिन है उसको डिसोसिएट कर देगा। और जो है कि CO2 लेस सॉल्युबल है आरटीएल ब्लड में, तो वहां से भी देखने को मिलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका रिलीज हो रहा है। और यही तीन रीजन जो है जिस कारण से आपको रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा, ये सिंपल याद रखिएगा। यहां तक एक बार देखिए, फिर जो है इसके आगे जो बढ़ेंगे तो वो आपका जो होता है वो कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन होगा। पहले ये देख लीजिए आप लोग सिंपल रीजंस फॉर रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल यहां पर समझोगे बिल्कुल क्लियर दिखेगा, नहीं समझ आएगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। एक बार देखिए, अगर प्रॉब्लम है तो पूछिए, फिर जो है इसके आगे बढ़ेंगे। यहां से मैसेज करके बेटा अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछिए। ओके, ये देखो बेटा कुणाल, सिंपल क्या चीज बोला गया, हेल्डन इफेक्ट में आपको ये बोला गया जब मोर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन होगा, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन जब बाइंड करेगा हेमोग्लोबिन के साथ तो क्या फॉर्म होता है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होता है वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन होता है, हो रहा है। यहाँ पर आपको सिंपल जो दिया गया वो क्या दे दिया गया, ऑक्सीजन बाइंड किसके साथ किया, हेमोग्लोबिन के साथ, क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अब ऑक्सी हेमोग्लोबिन जब फॉर्म होगा तो यहाँ से जो सिंपल देखने को मिलेगा जो रिलीज होगा वो H प्लस का होगा, ठीक। अब H प्लस क्या चीज करेगा बेटा, जो सिंपल जो वो बाइंड कर जाएगा वो करेगा आपको बाइकार्बोनेट आयंस के साथ। तो बाइकार्बोनेट आयंस आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में पढ़ा था, तो यहाँ पर ये सिंपल जो देखेंगे तो H प्लस यहाँ पे बाइंड कर गया तो बनेगा H2CO3, ठीक है, ये आपको बन गया। अब यहाँ पर H2CO3 जो है यहाँ पर सिंपल क्या चीज है, जब कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक्ट करेगा तब यहाँ पर जो देखने को मिलेगा तो ब्रेक होके क्या बनाएगा, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और यही जो वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो यहीं से आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका रिलीज होता है, इसीलिए ये जो है वो टोटली जो एक्सप्लेन किया गया था वो हेल्डन इफेक्ट के थ्रू करते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको हेल्डन इफेक्ट भी जो है वो इन्वॉल्व होता है। जब आपका ऑक्सी हेमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो ये जो एक्ट करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह करेगा और वहां से जो रिलीज होगा, हाँ बेटा वाटर इज ऑल्सो वाटर भी ए पार्ट। अब यहाँ पर सिंपल देखोगे तो यहाँ से क्या हुआ, रिलीज ऑफ H प्लस, और जब H प्लस रिलीज हो गया तो यहाँ से आपको बाइंड होगा, फिर आपको फाइनल जो दिखेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो एक्सेल होता है, वो यहाँ पर आपको सिंपल लिखा गया। ओके, अब इसी में देखोगे बेटा तो आप लोगों ने जो है वो 10th में जो पढ़ा था, 10th में जो CBSE से थे या जो स्टेट बोर्ड के 9th में था, वो जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है रेस्पिरेटरी कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। सिंपल जो पढ़ोगे तो यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। अब यहां से कुछ चीजें जो है बेटा मैं बता दूं, जिसको आप लोग एक बार बुक खोल के 9th और 10th का देखिएगा तो यहाँ पर जो सिंपल है कि क्या चीज देखने को मिलेगा वो आपको जो है वो क्या देखना है, वो चीज यहाँ पर दे दिया जाता है
फर्स्ट जो देखिएगा तो यहाँ पर जो है कि कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन में आप दो पार्ट्स पढ़ोगे। दो पार्ट्स कौन कौन से होंगे? पहला जो होगा वो आपको नर्वस कंट्रोल होता है, ठीक है, पहला जो है वो आपको नर्वस कंट्रोल होगा। सेकेंड जो आप लोग पढ़ोगे वो जो होता है वो केमिकल कंट्रोल होता है, यानी कि यहाँ पर जो है वो केमिकल्स जो इन्वॉल्व होगा वो सारी चीजें आपको केमिकल कंट्रोल में पढ़ाई जाएगी। जहां पे नर्वस सिस्टम की बात है वो नर्वस जो है वो आपको कंट्रोल में पढ़ना है। अब यहाँ पर देखोगे तो आपका जो नर्वस कंट्रोल है यहाँ पर जो होता है वो आपको जो देखने को मिलेगा थ्री रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं। ये आपको सिंपल जो है वो आपको जो पढ़ना है वो नर्वस कंट्रोल में पढ़ना है। तो यहाँ पर तीन रेस्पिरेटरी सेंटर्स मिलेंगे और इसी जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर्स को दे आर नोन एज रिदिमिसिटी सेंटर। ये जो होगा इसी को आप लोग जो कंट्रोल करता है इसी को जो आप लोग बोलते हो वो आप लोग रिदिमिसिटी सेंटर बोला जाता है। तो ये जो होता है वो तीन होते हैं। अब टेंथ में याद करो कौन कौन से होते हैं। यहां पर बंदना बेटा देखिए यहाँ पर क्या चीज है ना कि यहाँ पर जो है ना पीओ टू की जो बात करते हैं, एक सेकेंड आप लोग रुक जाइएगा सभी लोग। ओके अगर नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ओके ओके यश बेटा ठीक है मैं आपको करता हूँ पीओ टू बताता हूँ। इसमें अगर किसी को डाउट है बेटा तो रुक जाइए, नहीं तो ये जो है वो टेंथ की बुक में अगर मिलता है तो पढ़ के देखिएगा या जहां भी मिलता है तो आप लोग पढ़कर देखिएगा, ठीक है। और यश जो आप बेटा रुक जाइएगा, जिसको मैं बता दूंगा पीओ टू डाउट हो जाएगा क्लियर उसका, और बाकी किसी को है तो रुक सकते हो, नहीं है तो आप लोग एक एक करके बेटा लेफ्ट कर सकते हो और इसको पढ़ के देखिएगा एक बार। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा लगेगा तो आप लोग आकर पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा यस देखिए यहाँ पर जो सिंपल है कि आपको जो बोला गया है कि आप जो पूछना चाह रहे थे PO2 के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप सिंपल देखोगे बेटा तो क्या चीज है कि यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं।